subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड रिसर्च पेपर बाय सिंगल क्लिक. मतलब हम तीन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात करेंगे जहां से आप अपने रिसर्च के लिए पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बुक डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं. एमटेक में या किसी भी रिसर्च में अगर आप जाएंगे तो आपको पेपर की जरूरत होती है रिव्यू के लिए या पेपर पढ़ने के लिए या कुछ इनोवेशन के लिए. पेपर को पढ़ना जरूरी होता है और उसी के बाद हम कुछ इनोवेटिव कर पाते हैं. कि जो आप इनोवेटिव करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी है या नहीं है, तो इसके लिए मैं कैसे हम रिसर्च पेपर डाउनलोड करेंगे इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है वो है researchgate.net. मैं गूगल पर सर्च करता हूँ research.net, तो मेरे पास ये इंटरफेस निकल के आता है. यूरोपियन कमर्शियल सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्च फॉर शेयर पेपर्स एंड आर्टिकल्स. जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब लॉग इन है, तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लॉग इन हो चुका है. आप चाहे तो इसमें सिंपली लॉग इन करके स्टार्ट कर सकते हैं. अब मैं एक टॉपिक सर्च कर रहा हूँ इसके टाइटल बार पे, जहां से हम पेपर सर्च करते हैं. मैंने अभी ट्रैफिक से रिलेटेड एक वर्ड टाइप किया यहाँ पे, तो ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी वर्ड जितने भी पेपर है वो हमारे पास यहाँ से निकल के आते हैं. मैंने पब्लिकेशन पे टिक किया तो मेरे पास नीचे लिस्ट में आप देखेंगे कैटेगरी वाइज आप ले सकते हैं यहाँ से कुछ भी. मैंने पब्लिकेशन लिया तो मेरे पास लिस्ट में नीचे बहुत सारे पेपर निकल के आए. अगर मुझे इनको डाउनलोड करना है तो मैं सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. बट कुछ पेपर को हम रिक्वेस्टफुल पेपर के लिए बोलकर ही डाउनलोड कर पाते हैं, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है. अगर वो पैड है जिसको पैसे देके आपको डाउनलोड करना है तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, जिसको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम पेड पेपर्स को भी इजी फॉर्म में आराम से डाउनलोड कर सकते हैं. अब जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, वो है गूगल स्कॉलर. इसको आप जब गूगल पर टाइप करेंगे तो scholar.google.com निकल के आएगा. यहाँ इस सर्च बार पर आप जो भी डालेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपने रिसर्च से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेपर यहाँ से, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग डाला तो 27,40,000 रिजल्ट मेरे पास निकल के आते हैं 0.05 सेकंड में. इसमें इंपॉर्टेंट बात, जब आप पेपर डाउनलोड करते हो तो आपको इसमें साइटेड बाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ साइटेड बाई 1515, साइटेड बाई 668, जितना ज्यादा साइटेड होगा कोई पेपर मींस वो पेपर ज्यादा अच्छा होता है. मींस उसके कीवर्ड्स या उसको रेफरेंसिंग में ज्यादा बार यूज किया गया है, तो आप जिसका ज्यादा साइटेड है वो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरी चीज, गूगल स्कॉलर पर जब आप, अब मैं एक क्या कर रहा हूँ, दूसरा टॉपिक यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ. जैसे मैंने टाइप किया एग्रीगेट पॉलिसिंग का मैंने इसमें टाइप किया, तो मेरे पास यहाँ पे इतना सारा रिजल्ट निकल के आता है, 57,200 रिजल्ट निकल के आते हैं. तो जिसका साइटेड ज्यादा है, मैं उसको अगर यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है इट मीन्स ये इजी फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा. जब आप इसको नई टैब में ओपन करेंगे तो इजी फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा. बट जहां पे पीडीएफ नहीं लिखा हुआ है वो पेड है, मीन्स उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा कि कैसे हम उन पेपर्स को भी इजी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैंने अभी इसको डाउनलोड किया, सिंपली अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर लिया है. अब जब मैं बात करूं तो एग्रीगेट पॉलिसिंग रजिस्टिंग प्री रेजोल्यूशन, इस पेपर पे मैं क्लिक करता हूं तो ये पेपर मुझे इजी फॉर्म में डाउनलोड नहीं हो पा रहा है. जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मुझे इसमें पेमेंट और ये सारी चीजें एक्सेस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं.
तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए इसका URL कॉपी करना है। तो एक नई वेबसाइट खोलनी है, गूगल पे टाइप करना है SCI हब, तो यहाँ वेबसाइट निकल के आएगी। ये लोगो आपको ध्यान रखना है इसमें scihub.run, इसका URL बहुत बार चेंज होता है। आप अपना जो वेबसाइट का पेपर का जो URL है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर दे, ओपन करना है ओपन करते ही जो भी पेपर है वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा और पेपर ओपन हो जाएगा। अब आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इन सबको डाउनलोड करने के पहले अगर आप मेंडले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका काम और भी इजी हो जाता है जब आप रिसर्च का वर्क कर रहे होते हैं। अब जो थर्ड जो प्लेटफॉर्म है वो है साइंस डायरेक्ट। हम गूगल पे टाइप करेंगे साइंस डायरेक्ट तो हमारे पास वेबसाइट खुल के आ जाता है sciencedirect.com। साइंस डायरेक्ट इज अ वेबसाइट विच प्रोवाइड सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस टू लार्ज डेटाबेस ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च। इस टाइप का इंटरफेस आपके पास यहाँ पे ओपन होगा। कोई कीवर्ड आपके पास में है तो आप सिंपली कीवर्ड करके वो सर्च कर सकते हैं और आपके पास पूरे के पूरे पेपर यहाँ पर लिस्टेड होकर आ जाएंगे। जैसे मैं अभी एक सिंपली वर्ड टाइप करता हूँ एक्सीडेंट हॉट स्पॉट्स, और मैं सिंपली अगर मुझे कुछ और भी पता है वॉल्यूम इशू तो मैं भी डाल सकता हूँ। अब मैंने इसको सर्च पे क्लिक कर दिया तो जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इतने सारे पेपर यहाँ निकल के आते हैं 2756 रिजल्ट। आप इसको कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि 2021 में इस टॉपिक पे 19 पेपर पब्लिश हुए और 2020 में 420 हुए हैं, 450 हुए हैं, 2019 में 333 हुए हैं। और आप और भी कैटेगरी में इस पे आर्टिकल टाइप कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स कितने हैं, रिसर्च आर्टिकल्स कितने हैं। तो जो भी कैटेगरी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी कैटेगरी में रिजल्ट्स शो हो जाएंगे और पेपर आपके पास आ जाएंगे। आप इनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और जो डाउनलोड नहीं हो पाते हैं पेपर उनको आप SCI हब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी वाइज जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको सेट करके, कॉन्फ्रेंस पेपर चाहिए, बुक चाहिए, रिव्यू पेपर चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। अपनी कैटेगरी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं तो आपके सामने रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे। जैसे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक पेपर पे क्लिक करता हूँ। जैसे पहले ही पेपर पे मैंने क्लिक किया, जो है डिफरेंशियल, इसको मैं देखता हूँ। नीचे जब मैं जाता हूँ इसको तो गेट एक्सेस पे ये नहीं मुझे पेमेंट की बोल रहा है तो आप मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तभी मैं इस पेपर को ले सकता हूँ। बट नहीं, आप इस URL को कॉपी कीजिए और SCI पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तो आपका ये पेपर सिंपल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।